तो राधे राधे जी, देखिए खाने की तैयारी हो चुकी है। आज हम दोपहर के खाने में बनाएंगे हरी प्याज और आलू। मैंने इसकी कटिंग कर ली है, रानी धो रही है कपड़े। और इधर हमारा ये टमाटर, टमाटर में हरी मिर्च है, और ये हो गया प्याज और लहसुन का पेस्ट। तो अब मैंने कुकर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और इनकी तबीयत खराब हो रही है, इनके सर में दर्द हो रहा है, और मुझे लग रहा है उनके बुखार भी है। बोल रही कि चले जाओ डॉक्टर के, आप बोल रहे कि थोड़ी सी देर मुझे सो जान दे, फिर डॉक्टर के जाऊंगा। अभी आराम कर रहे, बिना दवाई के आराम थोड़ा मिल जाएगा, ऐसे बोल रहे कि थोड़ा आराम मिल जाएगा जब जाऊंगा। अब मौसम ऐसा हो रहा, अच्छा पीछे इंसान भी बुखार चढ़ जाता है, और आजकल बुखार भी बहुत ज्यादा चल रही। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, और ये लिया है मैंने जीरा। जीरा थोड़ा सा मैंने ऐसे मथ लिया है, और डाल दिया जीरा। अब ये डाल देती हूँ प्याज लहसुन का पेस्ट। और इसमें मिलाया मैंने अदरक, और प्याज लहसुन हमारा भुन चुका है, ये देखिए ब्राउन कलर का हो चुका है। अब इसमें डालती हूँ टमाटर। सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, और ये मसाले भुन चुके हैं। ये देखो कितना अच्छा पेस्ट बन के आया है हमारा। तो देखिए सब्जी भी बनके हमारी तैयार हो चुकी है। तो देखिए थोड़ी रसीले से कम की बनाई है। ये हमारी बनाई है, तो मैं घर से भी घर से पतीला लेके आई हूँ। मेरे पास पतीला नहीं है, मम्मी का पतीला है, तो इसमें ही कर लेते हैं हम सारे। ये भूल जाएगा, फिर इसमें से मक्खन निकल जाएगा। ये सोच रही मैं कि मैं जाने से पहले जो ये खा मैदा मेरा ही है, तो ये खत्म कर दूं। के लिए 3 इंटी मंगाए, अब इसमें ये ऐसे आ जाएगा, और फिर इस बोर्ड में मैं नहीं लगा दूंगी। क्या करूं, रोटी ठंड गया। Thank you.
जाती हूँ, तो इस भिगोने का देखिए कितना चमक रहा है, बिल्कुल कलर करनी है सामने। तो इसमें अब मैं मिक्की का बर्थडे है तो आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बच्चे भी आ गए, मौसी जी आ गई है। जा भैया के पास। अंशी तो गुस्सा भी हो रही है, चल गुस्सा हो की कर रहा है। अरे क्या होगा, कार दिया ले दो मेरे बर्थडे में तू
लड्डू।